आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, सो द क्वेश्चन इज व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव और ओल्डर इंडिविजुअल्स एंड लेसर नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स देन द पॉपुलेशन इज, कहते हैं कि अगर किसी पॉपुलेशन में जो लार्ज नंबर है किसका है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का, एंड लेस नंबर किनका है, प्री रिप्रोडक्टिव का, तो उसमें से पॉपुलेशन क्या होगी। तो किसी भी इकोलॉजी में जो पॉपुलेशन है उसको एज ग्रुप में डिवाइड किया, उसमें तीन एज ग्रुप होते हैं। सबसे पहला आएगा प्री रिप्रोडक्टिव, उसके बाद रिप्रोडक्टिव, एंड उसके बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक है, ये तीन एज ग्रुप होंगे और इनका जो पैटर्न होगा वो डिसाइड करते हैं कि ग्रोथ पैटर्न क्या है। तो तीन ग्रोथ पैटर्न होते हैं, एक्सपेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग में क्या होता है, जो प्री रिप्रोडक्टिव है उसका नंबर सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव का एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो ये एक्सपेंड कर रही है, पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, पॉजिटिव ग्रोथ। ऑलराइट, तो नेक्स्ट है स्टेबल। स्टेबल में क्या होता है, जो पोस्ट प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव है वो ऑलमोस्ट सेम सा होता है, और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है ओल्डर एज के ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स हैं वो थोड़े से कम होते, ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो ये ऑलमोस्ट स्टेबल सा होता है, तो इसमें क्या होती है, जीरो ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट आ गया डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में क्या होगा, जो प्री रिप्रोडक्टिव होंगे वो काफ़ी कम होंगे और रिप्रोडक्टिव का नंबर और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का नंबर काफ़ी ज़्यादा होगा प्री रिप्रोडक्टिव से, मतलब कि ओल्डर इंडिविजुअल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, और जो होंगे यंग इंडिविजुअल्स और प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो कम होते हैं। ठीक है, उसको डिक्लाइनिंग बोलते हैं। और इसमें क्या होती है, नेगेटिव ग्रोथ होती है। अब पॉजिटिव ग्रोथ एंड नेगेटिव ग्रोथ कैसे है, अगर आप सपोज करो अगर प्री रिप्रोडक्टिव ज़्यादा है तो ये आगे जाके जब रिप्रोडक्टिव एज में जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, तो एकदम से ग्रोथ बढ़ जाएगी। स्टेबल में सेम रहेगी क्योंकि इनका नंबर सेम है। और नेगेटिव ग्रोथ कैसे है, अगर इसमें प्री रिप्रोडक्टिव ही कम है तो जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे रिप्रोडक्टिव एज में जाके तो कम इंडिविजुअल्स ही बनेंगे। ठीक है, तो इनकी शेप है, जो एक्सपेंडिंग है उसकी शेप कैसे होती है, ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, इसको ट्रायंगुलर भी बोलते हैं। इसकी बेल शेप्ड है, तो ये बेल शेप्ड हो गया। और इसकी अर्न शेप्ड है, अर्न मतलब वास होता है ऐसी शेप का, तो ये डिक्लाइनिंग अर्न शेप्ड है। तो कहते हैं कि ऐसा इंडिविजुअल जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं, ठीक है, सबसे पोस्ट रिप्रोडक्टिव ज़्यादा हैं और जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो कम है। अभी प्री रिप्रोडक्टिव कम किस में थे, डिक्लाइनिंग में, हाँ, जिसमें नेगेटिव ग्रोथ थी, तो इसका ऑप्शन होगा डिक्लाइनिंग। तो ऑप्शन टू इज द आंसर। ग्रोइंग में तो प्री रिप्रोडक्टिव काफ़ी ज़्यादा होते हैं और स्टेबलाइजिंग में तो सेम होते हैं और डिक्लाइनिंग में कम होते हैं और इसमें ओल्डर इंडिविजुअल ज़्यादा होते हैं। आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।